टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्लास 8th साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड्स एंड फो। आज हम स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। ये हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। इंट्रोडक्शन। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स वेदर दे आर स्मॉल और बिग कैन बी ऑब्जर्व ईजिली विथ नेकेड आइज। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो कि छोटे और बड़े होते हैं, वो जो है ऑब्जर्व किए जा सकते हैं नेकेड आई से, यानी खाली आँख से ही। देर आर ऑल्सो ए नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स दैट कैन नॉट बी सीन विद दी नेकेड आइज। और काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं। दे कैन बी सीन ओनली वैन दे आर मैग्नीफाइड। जब उनको हम मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा करके देखें तभी वो दिखाई देते हैं। द साइंटिस्ट हैव मेड यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व दैम। साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप बनाया उनको देखने के लिए। माइक्रोस्कोप्स ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशन हैव बीन यूज टू ऑब्जर्व द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रोस्कोप जो है कई प्रकार के उसमें मैग्निफिकेशन होते हैं, यानी कि उसको काफ़ी चेंजेस करके बड़ा करके हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हम देख सकते हैं। सच लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर नॉन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं और माइक्रोब्स कहते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई एंड कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बहुत ही छोटे होते हैं और जो कि नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, और जो है कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो इसमें टू स्मॉल कैन नॉट बी सीन होना चाहिए, कैन नॉट बी सीन। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग थ्री एक्टिविटीज़ टू फाइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हम जो है तीन एक्टिविटीज़ को फॉलो कराते हैं इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन में, कलेक्ट वाटर फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज लाइक ड्रेन, वेल, कैनाल, लेक, पॉन्ड एंड रिवर इन क्लीन ग्लास टेस्ट ट्यूब्स। अलाउ दिस सैंपल्स टू सेटल डाउन। हम जो है अलग अलग स्रोतों से टेस्ट ट्यूब में पानी लेते हैं और उसको सेटल होने देते हैं। ऑब्जर्व फर्स्ट विथ नेकेड आई एंड देन विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। उसको सबसे पहले हम जो है नेकेड आई से देखते हैं, मतलब खाली आँख से ही देखेंगे, और बाद में जब हम टेस्ट ट्यूब में जब पानी ले लेते हैं तो उसको बाद में हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ईच सैम्पल वन बाई वन ऑन ए ग्लास स्लाइड। और उन को जो अलग अलग पानी को हमने इकट्ठा किया है उनको उनमें से हम पानी की एक ड्रॉप लेके ग्लास स्लाइड पर रख देते हैं एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आप क्या देखते हैं, इसके पहले हम थोड़ा और जानकारी ले लें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्ले बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दोनों ही रोल अदा करता है हमारी लाइफ में, यूजफुल और हार्मफुल दोनों ही टाइप के होते हैं। यूजफुल मीन्स हमें उपयोगी और हार्मफुल मीन्स हमें नुकसान देने वाले। दे हैव रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक एंड एल्कोहल। उनका यूज़ दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक और एल्कोहल बनाने में किया जाता है। दे हैव रोल इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इनका यूज़ वातावरण को साफ करने में और मेडिसिन बनाने में किया जाता है। इनक्रीजिंग फर्टिलिटी, और फर्टिलिटी यानी कि मिट्टी की जो उत्पादकता होती है उसको भी बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कितने प्रकार के होते हैं? मेजर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरसेस। तो ये पांच टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं
मेजर टाइप के, जिसमें कि आपने देखा कि बैक्टीरिया होते हैं, इनको सिंगुलर तौर पे हम एक अकेले बैक्टीरिया को हम बैक्टीरियम कहते हैं। फंगाई होते हैं, जैसे आपने फफूंद देखी होगी, वो सिंगुलर टर्म्स में उसको फंगस कहा जाता है। प्रोटोजोआ, एल्गी, एल्गी को सिंगुलर फॉर्म में एल्गा बोला जाता है। वायरसेस, और सिंगल सिंगुलर वायरस कहलाता है वायरस ओनली। वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रोम्स, वायरस जो है सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटा होता है। दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जो है अदर माइक्रोम से डिफरेंट भी होता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे कैन नॉट बी ग्रुप्ड अलॉन्ग विद द लिविंग थिंग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनको जो है लिविंग थिंग्स में ग्रुप नहीं किया जा सकता, और ना ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। दे लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, और जो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बीच की कड़ी होता है ये। वायरसेस लैक्स सेलुलर स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग फीचर, वायरस में जो है सेलुलर स्ट्रक्चर की कमी होती है। बट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स अ लिविंग फीचर्स। तो एक तो इसमें गुण होता है वायरस में कि इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सेल नहीं होती इसमें, तो इसका ये नॉन लिविंग फीचर हो गया। और दूसरी चीज़, वायरस जो है जब इसको होस्ट मिल जाता है, कोई सेल में चला जाता है, ये किसी अदर बॉडी में चला जाता है, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, उसमें चला जाता है, तो ये जो है रिप्रोड्यूस करता है, तो ये इसका लिविंग फीचर हो गया। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन स्ट्रक्चर मे बी यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ओनली वन सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गा एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर मैनी सेल्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं, जिसमें कि एक सेल पाई जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गा हैं और प्रोटोजोआ हैं, और मल्टी सेलुलर जिसमें कई सेल पाई जाती हैं होते हैं। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कौन कौन से होते हैं भाई? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जिसमें एक सेल होती है, अब ये प्लांट में रखे गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, प्लांट को नहीं लेना है, लेकिन ये प्लांट में आने वाले, प्लांट में इंक्लूड किए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एल्गा, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, ये एग्जाम्पल हैं एल्गा के। फंगाई, ईस्ट का एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, ये तीन जो है प्लांट कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं। एनिमल, प्रोटोजोआ, जैसे कि अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम, ये तीनों जो है एनिमल कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, जो कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, अभी तो हमने यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चर्चा की, अब है मल्टी सेलुलर, यानी कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में काफ़ी सारे सेल होते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल है एल्गी, एल्गी में वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, नॉस्टॉक, ये जो है मल्टी सेलुलर हैं। और फंगाई, इसमें ब्रेड मॉल्ड्स, एस्परजेलस, पेनिसिलिन, ये जो है मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछो कोई कि एल्गी किस टाइप की है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? तो एल्गी दोनों ही टाइप की होती है, मल्टी सेलुलर भी और यूनिसेलुलर भी। यूनिसेलुलर एल्गी में एग्जांपल आते हैं क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, और मल्टी सेलुलर में आते हैं वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा एंड नॉस्टॉक। अब कोई आपसे पूछता है फंगाई में ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है, और ब्रेड मॉल्ड्स, एस्परजेलस, पेनिसिलियम, ये जो है मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में आते हैं।